नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो है CMS का कोप 13। अपने आप में ये दो फुल फॉर्म है और इन्हीं फुल फॉर्म में इस टॉपिक से संबंधित राज छुपे हुए हैं और उसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम इस सीरीज में जानने का प्रयास करेंगे। CMS क्या है और कोप 13 क्या है। वर्तमान में यदि छोटी सी बात करें तो वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित CMS होता है। नाम बताऊं आपको, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी जातियों का संरक्षण, ये इसका पूरा नाम होता है। तो प्रवासी जातियां, जो जीव जंतु हमारे देश में आते हैं या अन्य कहीं जाते हैं, उनके संरक्षण से संबंधित क्या प्रक्रियाएं चल रही है। जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो साइबेरियन सार्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये साइबेरियन सार्स जो साइबेरिया से आता है, साइबेरिया क्या है, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है, वहां से ये आते हैं। ऐसे ही कुछ रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे और इस बार का जो कोप 13 हुआ है वो पहली बार भारत में हुआ है, इसकी मेजबानी पहली बार भारत ने की है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। और तो और, इसके अंदर भारत के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, जिसके की जो केंद्रीय मंत्री है वह प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने पक्षियों की रिपोर्ट जारी की है भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोर और गोरैया इसको काफी हाईलाइट किया है। और मोर और गोरैया इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करेंगे आपके लिए, ये मेरी नजर में इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, ये मोर और गोरैया। लास्ट में बात करेंगे इसकी, फिलहाल ये बड़ा टॉपिक है, इसको लेके चलते हैं आराम से, तसल्ली से, साथ साथ बने रहिए और टॉपिक का आनंद लीजिए और इसको रिवाइज जरूर साथ साथ करें। और हाँ, दूसरी बात, ये जो टॉपिक है मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस टॉपिक को, वो जो मैंने जैव विविधता करवाई थी, बायोडाइवर्सिटी जो मैंने करवाई थी, उसके अंदर ऐड कर दे। जो पुराने बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, जैव विविधता वाला जो टॉपिक है उसके अंदर इस रिपोर्ट को वहां पर ऐड कर लें। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा और आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, साथ में बने रहिए। हेडिंग डाल दीजिए CMS। पहले हम CMS की बात करेंगे, इससे कोप 13 कैसे आया, क्या कोप कैसे आए, क्लियर, इसकी बात करते हैं। हां, एक बात और बता दूं मैं, बाद में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये कोप कई प्रकार के होते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए भी कोप का आयोजन किया जाता है, जलवायु परिवर्तन के लिए कोप का आयोजन किया जाता है, और ये दोनों टॉपिक आप मेरे पिछले सीरीज देखिए, वहां मैं आपको अवेलेबल करवा चुका हूं। तो ये ध्यान रखें, कोप अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग होता है, मरुस्थलीकरण के लिए अलग होता है, प्रवासी पक्षियों के लिए अलग है ये, और जलवायु परिवर्तन के लिए अलग होता है, तो इसको अलग लेके चलें। CMS, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, कई बार इसको ऐसे भी बोल देते हैं, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ऐसे भी बोल देते हैं, और इसको ये भी बोलते हैं बोन कन्वेंशन, ये भी बोलते हैं इसको, तो इसके कई नाम है। अब देखिए ये है क्या, देखो नाम में ही अर्थ है इसका, प्रवासी जातियां जो होती है या प्रवासी वन्य जीव जो होते हैं उनका संरक्षण करना। तो सीधी एक बात याद रखें आप, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है,
संरक्षण से संबंधित है, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है। अब प्रवासी क्या होता है, माइग्रेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। प्रवासी का मतलब होता है जो दूसरे देश से आते हैं हमारे यहां, जैसे साइबेरियन सार्स, मैं वन्य जीवों के संबंध में बात कर रहा हूं, साइबेरियन सार्स आता है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, प्रवासी। क्वेश्चन भी आता है ना राजस्थान में, राजस्थान में कौन से प्रवासी आते हैं, कौन सा प्रवासी पक्षी है, मुख्य रूप से साइबेरियन सार्स बोलते हैं, क्रेन बोल देते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हुई सारी। अब देखिए यूएनईपी के प्रयासों से यह आयोजित किया जाता है, यूएनईपी, यूएनईपी से संबंधित है, और लिख दीजिए यूएनईपी के प्रयासों से, प्रयासों से प्रारंभ हुआ है यूएनईपी। यूएनईपी के बारे में आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, कई बार बात कर चुका हूं इसके बारे में, यूएनईपी, ठीक है, पर्यावरण पर काम करने वाली एक संस्था है। अब देखिए इनसे संबंधित जो संधि हुई, हस्ताक्षर जो हुए, ये हुए 6 नवंबर 1979 को हुआ यूएनईपी के प्रयासों से कि हम प्रवासी वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, 6 नवंबर 90 हस्ताक्षर साइन हुए, और ये जो साइन हुए थे ये हुए थे बोन में, बोन एक स्थान का नाम है, ये जर्मनी में है। इन चीजों का ध्यान रखें आप। देखिए एक क्वेश्चन है, विश्व में पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित पहला प्रयास कब किया गया था, तो आपके क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका आंसर होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, 1972 में हुआ था। यहां पर आपके क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विश्व में वन्य प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित पहला प्रयास कब हुआ, बोन कन्वेंशन, इसी कारण से आप देखिए इसको बोन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुई सारी बात, तो इन छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान में रखना है। अब बात आती है ये एक्टिव कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ इसका, आप कह सकते हो प्रभावी कब हुआ, ये इफेक्टिव कब हुआ, ये हुआ 1 नवंबर 1983 को। अब बात मेरी समझ में आई, इन दोनों को आपने अपने तरीके से ध्यान रखना है। 6 नवंबर इससे कैसे 1979, हालांकि डेट याद मत रखिए, 1979 कैसे रिलेटेड है और 1983 कैसे रिलेटेड है, तभी आप इस एग्जाम को सही तरीके से समझ पाओगे। वर्तमान में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और अब तो ये भारत में हुआ है, इस कारण से फिर ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रूप ले लेता है। अब देखिए इसमें कितने सदस्य देश है, इसमें सदस्य देश है 129 इसके सदस्य देश है, और यहां पर ध्यान रखें भारत इसमें 1983 में ही शामिल हुआ, मतलब शुरू से ही है भारत इसका, 1983 में ही शामिल हुआ, तो भारत इसका मेंबर है, ठीक है। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, भारत किसका सदस्य नहीं है, किसका सदस्य है, इस टाइप मैंने कई बार आपको इस सीरीज में आपको बताया हुआ है सारा ये। अब देखिए यह क्या काम करता है, यह क्या करता है, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 3 वर्ष के अंतराल पर कोप का आयोजन करता है, अभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसके आगे लिखिए, यह है प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर कोप का आयोजन करता है,
कोप का आयोजन करता है प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर, और उद्देश्य क्या है? वाइल्ड कंजर्वेशन, वन्य जीवों का संरक्षण। आप प्रवासी भी कह सकते हो, प्रवासी वन्य जीवों का संरक्षण, ये है वाइल्ड कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। अब देखिए ये कोप क्या है, ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कोप है ये। अब यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो पहला कोप हुआ था ये कब हुआ, कोप फर्स्ट जो हुआ था 1985 में हुआ था, ध्यान रखना 85 में हुआ ये, और ये जो स्थान था ये था बोन, अभी जो नाम लिखा था ना वही है, जर्मनी में, बोन जर्मनी में इसका कोप फर्स्ट का आयोजन हुआ, ये ध्यान रखें। लेटेस्ट की बात करूंगा अब लेटेस्ट में जो कोप 13 हुआ है 13, ये हुआ है फरवरी 2020 में हुआ है, और इसका जो ये जो स्थान है ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में इंडिया। यहां से आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि कोप 13 CMSK कोप 13 की मेजबानी किसने की, भारत ने की, और ये भारत ने जो पहली बार जो इसका आयोजन हुआ है, यहां पर ये पहली बार हुआ है, पहली बार भारत में पहली बार हुआ है ये। अब देखिए इसकी थीम क्या रखी गई, प्रवासी प्रजातियां माइग्रेट स्पीसीज दुनिया को जोड़ती है, बिल्कुल जोड़ती है, वहां से जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं दुनिया को जोड़ती है, और हम उनका यहां पर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, ये इसकी थीम है। ये थीम वगैरह भी पूछी जाती है, कोई इसमें हैरत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये जो कोप 13 है इसका लोगो क्या था, आप प्रतीक चिन्ह कह सकते हो, ये है कोलाम, कोलाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलाम, कोलाम क्या है, ये दक्षिणी भारत की पारंपरिक कला से प्रेरित है, ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है साउथ इंडिया का, उससे प्रेरित है। इसमें क्या बताया गया है, इस कला के माध्यम से यहां पर जो प्रवासी वन्य जीव जंतु आते हैं उनका चित्रण किया गया है, बहुत सारे पक्षियों को जंतुओं को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया। आपके लिए इतना काफी है कि ये जो कोलाम है ये दक्षिणी भारत की एक पारंपरिक कला है, ये ठीक है ना, इसमें ध्यान रखें। ये अब देखिए इसका एक मोस्कट भी है, मोस्कट शुभंकर कह सकते हो, इंग्लिश में मोस्कट बोलते हैं, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसके तो आप भली भांति जानते ही हो आप, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण होता है ये, गोडावण कहते हैं इसको, राजस्थान का राज्य पक्षी है ये, तो ये जो है ये गोडावण है, इसको आप गोडावण कह सकते हो, और भारत में ये इनडेंजर्ड में आता है, मतलब संकटापन प्रजाति है, भारत में संकटापन प्रजाति आप इसको कह सकते हो, इनडेंजर्ड स्पीसीज,
संकटापन्न प्रजाति है, मतलब संकट में है ये। और ये जो संकट में इसको बताया गया है, ये बताया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, ये जो संकटापन्न प्रजाति बताई गई है, ये बताई गई है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ये ध्यान रखें। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जैसे आपके ये क्वेश्चन बना हुआ है 1972 वाला, कि भारत में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कानून पहली बार कब बना था, तो 1972 में बना था। और इसी के तहत ही वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, राजस्थान में जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, जो राजस्थान के बच्चे ध्यान दें, राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में लागू हुआ था, एक साल बाद में लागू हुआ था, ये ध्यान रखें। और यहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो भारत में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, ये ध्यान रखें, ये क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी और चर्चा करते हैं। अभी कोप 13 में क्या खास बातें हुई जो आपके एग्जामिनर के दिमाग में क्वेश्चन के रूप में आ सकती है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस कोप 13 को लेकर चलूंगा। कोप 13, इसमें बात करूंगा विशेष। एक तो इसमें भारत आने वाले जो प्रवासी वन्य जीव है इनके बारे में बताया गया। यहां आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत से प्रवासी वन्य जीव कौन कौन से आते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। उनके नाम कुछ मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ उनको याद रखोगे। पहला लिखिए, भारत आने वाले प्रवासी वन्य जीव। एक तो है चीता, स्नो लेपर्ड, साइबेरियन सार्स, आमूर फाल्कन, ये उत्तरी चीन से आता है, बार हेडेड गीज, समुद्री कछुआ, डुगोंग्स, हम्पबैक व्हेल, रेप्टर्स। अब रेप्टर्स वैसे कोई जंतु नहीं है। दूसरी एक बात लिखिए विशेष में, मेरिन सेटेडिंग मैनेजमेंट पॉलिसी 2020 लागू, ये लागू की भारत ने, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की, ये क्या होता है, समुद्र में जो प्लास्टिक कचरे का जो कचरा जो फैलता है उसके प्रतिबंध से संबंधित है। एक लाइन लिख दीजिए, यह समुद्र में प्लास्टिक पर प्रतिबंध से संबंधित है, प्लास्टिक पर प्रतिबंध से संबंधित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती जा रही है, उसका श्रेय हम मनुष्य को ही जाता है।
प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती जा रही है, इस कारण से समुद्री जीवों में कमी हो रही है, उसी की तो रिपोर्ट दे रहे हैं। एक, भारत ने समुद्री कछुओं के संरक्षण से संबंधित नीति लागू की है। तीसरा लिख लीजिए, हाँ ये ध्यान रखना, ये भारत ने लागू की है, हाँ ये ब्रैकेट में लिख दीजिए लागू, यहां पे लिखो भारत के द्वारा, भारत के द्वारा लागू की गई। तीसरा लिखिए, भारत ने समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए नीति लागू की है। समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए नीति लागू की है भारत ने। कुछ CMS एम्बेसडर मनोनीत हुए हैं, इन पर थोड़ा ध्यान रखना। मनोनीत हुए एम्बेसडर क्या होते हैं? जो इनका प्रचार प्रसार करते हैं, कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर। ये तो प्रवासी प्रजाति दूत भी बोलते हैं इसको, आप लिख दीजिए हिंदी में चाहे प्रवासी प्रजाति दूत भी बोलते हैं। ये तीन हुए हैं, आपने तीन का ध्यान रखना है। एक तो है इयान रेडमोंट, ये ब्रिटिश जैव संरक्षणवादी है, ब्रिटिश जैव संरक्षणवादी है। और दूसरे हैं रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा आपके लिए वेल नोन है, ये भारतीय फिल्म अभिनेता है। भारतीय फिल्म अभिनेता, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। किस फिल्म अभिनेता को CMS एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? भारत के किस फिल्म अभिनेता को CMS एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका प्रूव ये है, जब कभी अमिताभ बच्चन को बनाया जाता है, सचिन तेंदुलकर को बनाया जाता है, या ऐसी जो भी इंडियन सेलिब्रिटी को जब कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन कभी आया नहीं हो। तो ध्यान रखें रणदीप हुड्डा के बारे में, साथ साथ इयान रेडमोंट का भी ध्यान रखें। तीसरे हैं सच्चा डेंस, ये महिला है और ये है ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरणविद है। ये एनवायरमेंट पर काम करने वाली है, ये सच्चा डेंच। तो ये कुछ नॉमिनेट हुए हैं एम्बेसडर के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है रणदीप हुड्डा, क्लियर। और एक ये मेरिन ट्रेडिंग मैनेजमेंट पॉलिसी कब लागू हुई भारत में 2020 में, नीतियों पे क्वेश्चन आते हैं, किससे संबंधित है? समुद्र में प्लास्टिक नियंत्रण से संबंधित है, क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, भारत के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, कुछ बातें कही गई है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पांचवा लिख दीजिए, भारत के पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट, क्या बातें कही है, क्या प्रारूप दिया है इन्होंने। एक चीज ध्यान रखना, हालांकि वैसे जानते हो, इसके जो वर्तमान मंत्री हैं, ये है प्रकाश जावड़ेकर। अब देखिए, इसमें एक बात कही गई है, एक शब्द आया है
एक शब्द आया है सी ए एफ एक शब्द आया है, ये है इसका पूरा नाम है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक शब्द आया है। इसमें यह कहा गया है कि इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये एक अहम हिस्सा रखता है, ये बात कही गई है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये CAF क्या है। तो ये जो CAF है इसकी जो स्थिति है ये आर्कटिक महासागर से प्रशांत महा सॉरी हिंद महासागर तक है, यहां तक इसकी स्थिति है, ये आर्कटिक महासागर से हिंद महा। ये जो बताया गया है ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, प्रवासी पक्षियों से संबंधित है ये बात कही गई है। हालांकि इसमें कुछ प्रवासी जलीय प्रजातियों के बारे में बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि 189 प्रवासी जलीय प्रजातियां भी इसमें आती है। एक लाइन लिख देना इसमें 189 प्रवासी जलीय प्रजातियां आती हैं, प्रवासी जलीय प्रजातियां आती हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि CAF क्या चीज है। अब जो दूसरा जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि भारत में पक्षियों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है भारत में पक्षियों की स्थिति से संबंधित पहली रिपोर्ट है ये, ये अपने आप में एक पहली रिपोर्ट है। इसमें जो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा भाई क्या रिपोर्ट में बात कही गई है, एक तो इसमें यह कहा गया कि किन की संख्या लगभग स्थिर है, जैसे गोरैया, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, जैसे मोर, इन दो को ज्यादा हाईलाइट किया गया। लेकिन इसके अंदर सर्वाधिक गिरावट की भी बात की गई है। तो पक्षियों से संबंधित जो सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है ये कहां कहां से संबंधित है, सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है वो है रेप्टर्स की, जैसे चील वगैरह हो गए, और दूसरा है समुद्री तटीय प्रवासी पक्षी, आप कह सकते हो माइग्रेटरी शोर बर्ड, समुद्री तटीय प्रवासी पक्षी, और तीसरा है पश्चिमी घाट के पक्षी, इनमें जो है गिरावट दर्ज की गई है। अब इसमें कौन कौन से पक्षी आते हैं इसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आप ये कह सकते हो जैसे कॉमन ग्रीन संक, ये एक दो नाम याद रखने हैं आपने, सारे नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मॉल मिनीवेट, गोल्डन फ्लोवर, ये थोड़ा सा नाम ध्यान रख रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तीन बातें याद जरूरी होनी चाहिए, रेप्टर्स में, समुद्री तटीय प्रवासी पक्षियों में, और पश्चिमी घाट के पक्षियों में ये आपके ज्यादा इसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ये तो गिरावट से संबंधित आ गई। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगामी चर्चा करते हैं।
अब मैं बात करने जा रहा हूं भारत में पक्षियों की स्थिति पर सर्वाधिक गिरावट करने के बाद हम बात करेंगे सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है। देखिए सर्वाधिक वृद्धि हुई है मोर में, मोर पिकॉक जिसको आप बोलते हो, मोर में वृद्धि हुई है इसकी। ये ध्यान रखें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां हमें मोर को थोड़ा जानना पड़ेगा। एक तो ये जो मोर है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक जो नेम है, ये है पेवो क्रिस्टोपस। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो मोर है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये नेशनल बर्ड है। ये ध्यान रखना, यहां एक बात और ध्यान रखें, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो नीला मोर है, ठीक है, ये ध्यान रखें। नीला मोर कई बार क्या एग्जामिनर इस तरीके से गड़बड़ी कर देता है, नीला मोर। हालांकि ग्रे पिकोक जो है ये म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है, अभी लिखा देंगे। लेकिन यहां एक बात आपने ध्यान रखनी है, इसको दर्जा कब मिला कि ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1963 की। अब देखो ऐसे तो पूछेगा नहीं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सिंपल सी बात है। तो भारतीय मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया है, 26 जनवरी 1963 को दिया गया था, ये ध्यान रखिए। और नीला मोर है, ये गड़बड़ी कर देता है कई बार, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है नीला मोर, धूसर मोर, सफेद मोर, इस तरीके से दे देता है तो गड़बड़ी हो जाती है। तो नीला मोर है। यहां पर एक छोटा सा स्टार डाल दीजिए, म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी ये है ग्रे पिकोक, ग्रे पिकोक है ये। ये ध्यान रखें। अब औरों में भी वृद्धि दर्ज की गई है, और ये सर्वाधिक वृद्धि में अन्य कौन कौन से हैं, एसी प्रीनिया, प्लेन प्रीनिया, नीलगिरी ध्रंस, चमकदार आइबिस, जंगली कबूतर, ये इसमें सर्वाधिक वृद्धि की श्रेणी में आते हैं। आप इसमें मोर के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा लगभग स्थिर संख्या, मैं यहां लगभग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रखना, लगभग स्थिर मतलब कोई ऊंच नीच थोड़ा ऊपर नीचे बैस। ये है गोरैया की है लगभग, इसको कहते हैं स्पारो। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम जो है, ये है पासर डोमेस्टिकस, पासर डोमेस्टिकस है ये गुरैया। ध्यान रखें इसकी संख्या लगभग स्थिर है, लेकिन ये ध्यान रखें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, इसमें इसे दुर्लभ भी बताया गया है। एक बात लिख देना, कई बार एग्जामिनर इस तरीके से पूछ लेता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु में इसे दुर्लभ भी बताया गया है। अब देखिए इसके संरक्षण के लिए
दिल्ली ने इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में मानता हूं इसे। ये जो है ये है दिल्ली का राजकीय पक्षी, राजकीय बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय नहीं बोलते, ध्यान रखना। इंग्लिश में और लिख देता हूं, स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली। मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तो इसका वैज्ञानिक नाम है, एक ये दिल्ली का राजकीय पक्षी है। एक और बता देता हूं चलते चलते, इसका जो प्रमुख भोजन है वो है कीट, इंसेक्ट इसके होते हैं। और इस रिपोर्ट में ये बकायदा ये बताया गया है कि ये जो कीट है इनमें कमी, गोरैया में कमी का कारण है, और जो ये मोबाइल टावरों से जो भी ये किरणें निकलती हैं वो इसकी कमी का कारण नहीं है, ये बताया गया है। तो कीट में लिख दीजिए, इनकी कमी गोरैया में कमी का कारण है, ठीक है। हालांकि कमी हो रही है, तभी मैंने कहा लगभग स्थिर, यहां कंफ्यूज मत हो जाना। एक लाइन और लिखिए, मोबाइल रेडिएशन इनकी कमी का कारण नहीं है, ये ध्यान रखें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनकी कमी का कौन सा कारण नहीं है, मोबाइल रेडिएशन। अब जैसे ही मोबाइल रेडिएशन बोलेगा आप कहोगे नहीं नहीं, रॉबर्ट टू फिल्म आई थी उसमें बकायदा बताया गया था कि मोबाइलों से पक्षी मारे जाते हैं, ये तो ऐसा इसमें रिपोर्ट में बिल्कुल साफ कहा गया है कि मोबाइल की जो रेडिएशन है इनकी कमी का कारण नहीं है, ध्यान रखें। इनकी कमी का जो कारण बताया गया है वो कीट बताए गए हैं, कह रहे हैं कि इन कीटों में कमी के कारण ही इनमें कमी हो रही है, क्लियर, ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप कर रहा है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने CMS की COP 13 रिपोर्ट को जानने का प्रयास किया, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, ध्यान रखना। इसको अच्छे तरीके से करंट जीके में राइट डाउन करें, और जो जहां मैंने जैव विविधता करवाई थी बायोडाइवर्सिटी BD वहां करवाया था उसमें भी इसको ऐड करें। ये 3 साल तक आपके लिए महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण उसी दृष्टि से ही बन जाती है क्योंकि इसका आयोजन, इसकी जो मेजबानी है 2020 में भारत ने की है, और इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्लियर। और अब ध्यान रखें, मैं कहता रहूंगा और जब जब मेरा मन कहेगा तब तक मैं कहता रहूंगा, ये जो आपका कोचिंग से जो गैप चल रहा है, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है उनको मैं स्पेशली सजेस्ट करना चाहूंगा, और मैं और जो सुन रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जो अन्य तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, ये समय रिवाइज का है, ध्यान रखें, रिवाइज, इसको रिवाइज कीजिए, पढ़ाई में लगाइए, लूडो खेलने में मत लगाइए इसको, ये मैं आपको नीट एंड क्लियर कह रहा हूं, नहीं तो आपके नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज इसको रिपीट करें, रिवाइज करें, जो भी आपका सिलेबस में है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इन सबको आप अच्छे तरीके से करें। ये आसान नहीं होते हैं, रीजनिंग, कई लोग रीजनिंग को मानते थे कि नॉर्मल है, रीजनिंग क्या है, कर लेंगे, मैथ आती है, रीजनिंग भी आती है, तो इस बार के SSC के पेपर देख लेना, या जो पेपर दे के आए हैं उन बच्चों से एक बार मिल लेना कि रीजनिंग ने उनके साथ क्या बर्ताव किया है, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि ये जो GK है, रीजनिंग है, जिनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये आपके नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको पूर्ण रूप से एक टीचर होने के नाते सजेस्ट कर रहा हूं, समय का सदुपयोग करो, आपके मुंह से आज भी निकलना चाहिए हम बिजी हैं, हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि हमारे अब एग्जाम आने वाले हैं, और बिल्कुल सही तरीके से सही दिशा में आपके पास जो भी मटेरियल है उसको 15-15 20-20 बार 30-30 बार 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 पढ़िए, मैथ के फार्मूले बार बार याद कीजिए। तो मान के चलना ये जो आपका गैप आया है कोचिंग से, जो आपका गैप है, यह आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखता है,
क्लियर। तो दोस्तों इसी सजेशन के साथ अब आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मेरे इस CMS के कोप 13 टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाए ताकि वो भी भारत भारत से संबंधित पक्षियों की जानकारी को भली भांति जान सके, मूर गुरैया को जानकर अपने एग्जाम में क्वेश्चनों के साथ न्याय कर सके। नमस्कार।